है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, सुबह के हो रहे हैं 9 और मैं उठ चुका हूँ और मैं जाऊँगा फ्रेश होने के लिए, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। वो मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी, वीडियो में एंड तक बने रहना, जब भी पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और मेरे लिए आज क्यों इतना बड़ा दिन है, वो आपको वहीं जाकर पता चलेगा। और हाँ, और एक बात और बताइए, मेरे अंदर आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और आज मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएं कमेंट करके कि क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं मेरे अंदर आपको। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा आगे, मिलता हूँ आपसे बाद। तो गाइस, मैं तो फ्रेश हो चुका हूँ और ब्रेकफास्ट भी फ्री हो चुका हूँ, बस मैं निकल रहा हूँ क्योंकि लेट हो जाऊँगा, नहीं तो पहले दिन मैं कभी लेट ना हो जाऊँ। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे क्या रहेगा, और वीडियो में बने रहना एंड तक, जब भी आपको पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है आज। तो चलिए चलते हैं, मिलता हूँ आपसे वहीं जाकर। गाइस, हम ऑटो में बैठ चुके हैं और मेरा भाई मुझे रास्ते में फिलहाल भी मिल गया है, तो थोड़ी दूर मेरा सफ़र का साथी बनेगा, तो फिलहाल मेरे साथ जा रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, मैं ऑटो रिक्शा में से उतर चुका हूँ और अब बैठ रहा हूँ मिनी मेट्रो में, और अब मैं जाऊँगा वहीं जहाँ पर मुझे जाना है, जो मेरी मंजिल है। देखते हैं क्या रहेगा आज, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर भी मेरठ कॉलेज के सामने पुलिस स्टाफ की रैली निकल रही है, तिरंगा यात्रा। तो हमारे इंचोली में भी लगातार रैली निकल रही है पुलिस स्टाफ की, और यहाँ पर सामने पार्क के अंदर भी महिलाएं एक जगह तिरंगा यात्रा निकलने की तैयारी कर रही हैं, और आप सामने देख सकते हैं तिरंगा यात्रा निकल रही है महिलाओं की। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक जगह है, और ये पूरी दुनिया को संदेश दे रही है, पूरी मेरठ सिटी में ये संदेश दे रहे हैं कि घर घर तिरंगा लहराना है और इस बार कुछ अलग करके दिखाना है, क्योंकि इस बार जो है कोरोना के बाद ये 15 अगस्त मनाने का हमें मौका मिला है, तो इस बार हमें घर घर तिरंगा लहराना है और हर जगह लहराना है सबके साथ। गाइस, मैं आ चुका हूँ और मुझे बता नहीं सकता मैं कितना होपलेस हो रहा हूँ, मगर कोई बात नहीं, अब जो रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। तो गाइस, मैं आ गया हूँ वापस, अब मैं जा रहा हूँ अपने घर इंचोली। तो मैं जहाँ पर गया था और किस लिए गया था वो मैं आपको अब बताता हूँ। मैं गया था इंटरव्यू के लिए, तो दो जगह मैं इंटरव्यू के लिए गया, तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा मुझे बाहर, मैं वीडियो नहीं बना पाया अंदर की, थोड़ा डर था, मतलब इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मैं वीडियो बनाने लगूँ अभी अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो इंटरव्यू दिया, दो जगह दिया, तो अब जो दोनों जगह से रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिला है, बाकी उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल कर देंगे, अगर रहेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो मैंने भी इसलिए ही मैं आया था इंटरव्यू के लिए कि हो जाए, पार्ट टाइम यूट्यूब भी कर लेंगे और जॉब भी कर लेंगे, मगर अभी जहाँ पर मुझे ये मिलता है कि कॉल कर देंगे, वहाँ पर मुझे उम्मीद नहीं होती कि कुछ होगा या नहीं, तो वो मेरे नसीब के ऊपर है, जो भी होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या रहेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ सीधा घर नॉनस्टॉप, तो आपसे बात करने के लिए मैं पैदल चल रहा हूँ थोड़ी दूर, उसके बाद में मैं ऑटो रिक्शा ले लूँगा, तो सीधा जाऊँगा नॉनस्टॉप घर। तो ये था सरप्राइज जिसके लिए आपको इतना वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे, हंसना और स्माइल करना बंद नहीं करेंगे, आपके साथ डेली वीडियो में ब्लॉग बनाता रहूँगा आपके लिए, सॉरी,
आपको आपके लिए डेली ब्लॉग लेकर आता रहूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ कि साइड में भी कुछ कर सकूँ, यूट्यूब से अलग भी मैं कुछ कर सकूँ। तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे बाद में। देखिए गाइज, ये है कैलाश प्रकाश स्टेडियम। तो ये मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, मगर अगर यहाँ पर मतलब मेरठ में अगर 5-स्टार होटल होता तो शायद ये इंटरनेशनल स्टेडियम होता। यहाँ पर 5-स्टार होटल की वजह से ये इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं बन पाया, नहीं तो ये इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेडियम आता। तो कोई बात नहीं, कभी कभी तो 5-स्टार होटल होगा मेरठ में तो ये इंटरनेशनल स्टेडियम बन जाए और हम भी मैच यहाँ पर देखने आ सके, क्योंकि दिल्ली जाना आसान नहीं होता और एक सिर्फ मैच देखने के लिए। तो कोई बात नहीं, तो रास्ते में ये मुझे कैलाश प्रकाश स्टेडियम दिखा तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, आपको रूबरू करा देता हूँ। तो अब हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधा जाएंगे अपने गांव के लिए, ऑटो पकड़ेंगे और फिर सीधा घर। तो मिलूँगा आपसे मैं घर जाकर, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, ये है कैलाश प्रकाश स्टेडियम, आप देख सकते हैं ये है मेन गेट। तो देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, यहाँ पे हर एक स्पोर्ट की प्रैक्टिस होती है, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, ऐसे ही बहुत स्पोर्ट्स की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, हर एक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर प्रैक्टिस होती है। तो बहुत बड़ा ये स्टेडियम है, आप देख सकते हैं, आप रूबरू हैं। गाइज, मैं आ गया हूँ वापस घर और मम्मी ने मेरे लिए खाना भी लगा दिया हूँ, मैंने थोड़ा सा फ्रेश भी हो गया हूँ, तो मूड अभी सही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जो भी नसीब में होगा देख लेंगे, क्या पता कॉल आ जाए। अगर नसीब में होगा तो जॉब या कुछ काम या बिजनेस वगैरह भी कर लूँगा। अगर मेरे नसीब में यूट्यूबर बनना लिखा है तो मुझे कोई चीज़ नहीं रोक सकती, मैं यूट्यूबर बनकर रहूँगा, ब्लॉगर बनकर रहूँगा। अगर मेरे नसीब में जॉब करना या बिजनेस करना लिखा है तो फिर यूट्यूबर में नहीं बन पाऊंगा, ना बन सकता। तो देखते हैं जो भी नसीब में लिखा होगा, क्योंकि नसीब नसीब का खेल होता है, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती, जो ऊपर वाले ने हमारे अल्लाह ने नसीब में लिख दिया है वो कर रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या रहेगा आगे। अभी मैं खाना खा लेता हूँ, मम्मी ने लगा दिया है, तो मिलता हूँ आपसे बाद में। तो गाइस, इस ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ, और मैं आज कहीं गया भी नहीं हूँ क्योंकि मूड ठीक नहीं है आज बिल्कुल भी। तो मैं भाई इस ब्लॉग का यही एंड करता हूँ, देखते हैं क्या रहेगा कल। बाकी मेरा मूड ऐसा है कि मेरा ऐसा दिल है कि ब्लॉगिंग भी छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, कुछ मत कर, मगर देखते हैं क्या रहेगा। मेहनत तो करनी है, चाहे जिसमें करो, चाहे यूट्यूब पर करो, चाहे जॉब में करो, बिजनेस में करो, मेहनत तो करनी है और करनी पड़ेगी आगे भी। तो मैं इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि दोनों में से कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगा, उम्मीद है। तो देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो देखते हैं कल क्या रहेगा, कबीर देखिए कैसे घूम रहा है पीछे। तो कल का कल देखेंगे, क्या पता कल कॉल आ जाए, परसों आ जाए, तो देखते हैं क्या रहेगा। तो मैं इस ब्लॉग का यही एंड करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि 2 दिन से व्यूज़ कम आ रहे हैं मेरे व्लॉग पर, तो उठाएं व्यूज़ को उठाएं, नहीं तो मैं व्लॉगिंग छोड़ दूंगा। हाँ, मगर प्यार ज़रूर चाहिए आपका, मुझे प्यार दो, जब भी मैं आगे व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रखूँगा और इंशाल्लाह अपना जॉब या जो भी कुछ भी होगा वो भी रखूँगा, हर चीज़ में मेहनत करूँगा। बस आप मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें, आप सबकी प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, और मुझे कुछ बड़ा करने की चाहत है। बस जो है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे YouTube पर भी कामयाबी दें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे प्यार दें। तो गाइस, मैं इस व्लॉग का यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।